ना हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर जिसमें हमने ये भी बात किया कि अगर जो है हम लोग डीसी देंगे तब क्या होगा, है ना। ओके, एसी दे रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है, नहीं अगर हम लोग डीसी सिर्फ दिए तब क्या होगा, ये हम लोग सारी चीजें बात कर ली। अब हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करेंगे यानी कि हम लोग रियल ट्रांसफार्मर में घुसेंगे, रियल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जाने से पहले जो है हम लोग जो है आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। आइडियल यानी कि बिफोर स्टडी अबाउट द रियल ट्रांसफार्मर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल पता चलेगा तो आइडियल की चारों ओर घूमेगा, है ना। हम लोग जिसको आइडियल मानते हैं उसी के चारों ओर हम लोग भी घूमना पसंद करते हैं, चलो भाई उस जैसा तो बन जाए, उनके जैसा थोड़ा सा तो बन जाए, नहीं, दैट इज द आइडियल। देन बिफोर स्टडी अबाउट द रियल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को भी हम लोग क्या चाहेंगे कि वो आइडियल के जैसा बना। ओके, देन टू अंडरस्टैंड द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द रियल ट्रांसफार्मर, यानी कि रियल ट्रांसफार्मर के बेटर परफॉर्मेंस, अच्छे से उसके परफॉर्मेंस को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर के प्रॉपर्टी को, ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर के एजम्पशंस को, क्या क्या एजम्पशंस है उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बात किसका कर रहे हैं भाई, एजम्पशंस का, है ना, एजम्पशंस का बात कर रहे हैं, एजम्पशंस ऑफ रियल ट्रांसफार्मर। एजम्पशंस हमेशा एजम्पशन ही होता है, वो हमेशा सही नहीं होता है। ओके, आइडियल है, आइडियल हमेशा आइडियल नहीं होता भाई, आइडियल कभी किसी के लिए आइडियल नहीं हो सकता है। आइडियल यानी कि कोई लॉसेस नहीं, किसी तरह की नेगेटिव बातें नहीं, कोई भी नेगेटिव फैक्ट नहीं, किसी को नेगेटिव नजर नहीं आए, दैट्स इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद, दे आर द आइडियल, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अस, actually with respect to me, है ना, but maybe, है ना, they are non-ideal with respect to other religious लोग जो हैं। okay, तो हम लोग यहाँ पे एक transformer देखें, तो एक transformer में basically क्या है हमारे पास, okay, transformer में basically जो है एक magnetic circuit, एक magnetic material है जिसके ऊपर हम लोग winding किए, है ना, ये वाइंडिंग कर दी, वाइंडिंग की, तो सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि जो हमारा वाइंडिंग है, ओके, उस वाइंडिंग के कोरस्पोंडिंग जो है किसी तरह का वाइंडिंग रेसिस्टेंस ही ना हो, वाइंडिंग रेसिस्टेंस आर इक्वल टू जीरो। सोचो वाइंडिंग रेसिस्टेंस नहीं होगा तब तो नेगेटिव चीजें नहीं आएगी, है ना, तब तो ड्रॉप नहीं होगा, तब तो लॉसेस नहीं होगा। अगर रेसिस्टेंस ही नहीं है भाई, है ना, रेसिस्टेंस जीरो, ओके, तो आई आर वोल्टेज ड्रॉप व्हाट, जीरो। ये वोल्टेज ड्रॉप कहीं भी आई आर यानी कि वोल्टेज में ड्रॉप ही नहीं होगा, जितना आपने वोल्टेज दिया उतना ही वोल्टेज आ गया, देन दैट्स अ बेटर, वेरी गुड। नहीं, जो भी आपने लाइन से खींचा, ठीक है, ट्रांसफार्मर से जितना वोल्टेज ट्रांसफार्मर आ रहा था उतना ही वोल्टेज आउटपुट आ गया, वेरी गुड, आइडियल, एफिशिएंसी 100%, जितना वोल्टेज आपने दिया उतना वोल्टेज आ गया। ओके, आर जीरो यानी कि आई स्क्वायर आर, कॉपर लॉस जीरो, कॉपर लॉस इसको कहते हैं ना, इसी को कहते हैं ओमिक लॉस, ओमिक लॉस, ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, इसी को कॉपर लॉस करते हैं, क्योंकि जहां भी कॉपर है वहां पे ओम है, वहां पे रेसिस्टेंस है और वहां पे लॉस होना ही होना है। ओके, तो ओमिक लॉस दैट इज जीरो। तो ये एजम्पशंस है, तो जब ये एजम्पशंस है आइडियल ट्रांसफार्मर का, तो हम लोग रियल ट्रांसफार्मर का, हाँ वेरी गुड सुनो, हम लोग जो रियल ट्रांसफार्मर का हम लोग करेंगे, ओके,
वो रियल ट्रांसफार्मर का कैसा होना चाहिए वाइंडिंग रेसिस्टेंस, लो या हाई? जो हमारा रेसिस्टेंस जीरो है आइडियल का, ओके, जो एजम्पशंस है, तो वाइंडिंग रेसिस्टेंस ट्रांसफार्मर का जो हम लोग बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, ओके, कैसा वाइंडिंग लेंगे, कैसा कंडक्टर लेंगे, ओके, उसका वैल्यू लो होना चाहिए। यानी कि रियल ट्रांसफार्मर जो हम लोग बनाएंगे उसका वाइंडिंग रेसिस्टेंस लो होना चाहिए। क्यों? सो डैट कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो और पावर लॉसेस आई स्क्वायर आर के फॉर्म में भी कम से कम। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे जो है सेकेंड पॉइंट जो है हमारा नो कोर लॉस, कोर लॉस है ना, कोर यानी कि ये कोर जहां हम लोग वाइंडिंग जिसमें कर रहे हैं, कोर मतलब अंदर है ना, अंदर जिस जो दिख रहा है उसके अंदर, उसके अंदर क्या है भाई, वहां पे कोर के रूप में अंदर में क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल, प्योर इंडक्टिव कॉइल लेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल रोहित, है ना, कोई भी कॉइल दुनिया में ले लो उसका रेसिस्टेंस होना ही होना है, प्योर इंडक्टेंस तो मतलब कि एग्जिस्टिंग ही करता है, ना ही प्योर इंडक्टिव ना ही प्योर कैपेसिटिव। दुनिया का मैंने बताया था कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका रेसिस्टेंस नहीं है, हाँ किसी का बहुत बहुत कम होगा, किसी का बहुत बहुत ज्यादा होगा, बट होना तो होना ही है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नो कोर लॉस, नो कोर लॉस, कोर यानी कि अंदर का लॉस, अंदर यानी क्या, जहां बाइंडिंग जिस मटेरियल पे कर रहे हैं, तो वो कौन सा मटेरियल है, मैग्नेटिक, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं और नो मैग्नेटिक लॉस, ओके। मैग्नेटिक मटेरियल किससे बना हुआ है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है वो, यानी कि हम लोग आयरन भी बोलते हैं उसको, है ना, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, और नो आयरन लॉस, यानी कि कोर लॉस को ही मैग्नेटिक लॉस, मैग्नेटिक लॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन लॉस बोलते हैं, ओके। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मर हमारे अलावा कोर लॉस भी नहीं होगा, कॉपर लॉस भी नहीं होगा, उससे एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा, 100%। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी लॉसेस होते हैं मैक्सिमम, ओके, वो कोर लॉस और कॉपर लॉस के रूप में ही होते हैं, हाँ आगे स्टील लोड लॉस भी होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस भी होता है, बट वो बहुत बहुत कम होता है, 0.01% लाइक दैट, ओके। तो यानी कि हमारा लॉसेस आइडियल में अगर नहीं हुआ, ओके, ना ही कॉपर लॉस ना ही कोर लॉस, यानी कि मैग्नेटिक पैरामीटर के कोरस्पॉन्डिंग, मैग्नेटिक मटेरियल के कोरस्पॉन्डिंग कोर लॉस नहीं हुआ, ओके, पावर के रूप में, तो एफिशिएंसी 100%। यानी कि आइडियल के केस में इनपुट पावर और जो भी आपने इनपुट दिया पावर, जो भी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, लमसम बराबर आएगा, है ना, रियल में आना चाहिए, है ना, यानी कि चूंकि आइडियल में अगर इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर है तो रियल में क्या होना चाहिए, नियरली इक्वल होना चाहिए भाई, है ना, नियरली इक्वल, यानी कि देयर शुड बी नो एनी चेंज इन पावर, ओके। तो ये हमारा कोर लॉस हो गया। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, थर्ड पॉइंट ये कहता है नो लीकेज फ्लक्स, नो लीकेज फ्लक्स, ओके। तो नो लीकेज फ्लक्स कहने का मतलब क्या हो गया कि फाई एल जो है वो जीरो, लीकेज फ्लक्स का है भाई, है ना, जैसे आपने सोर्स लगाया, करंट फ्लो किया, करंट आ गया, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे फ्लक्स आया, ओके, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, इसको लीकेज फ्लक्स कह रहे हैं, ओके। यानी ये कहने का मतलब क्या है, जो इस करंट के चलते जो टोटल का टोटल फ्लक्स फ्लो कर रहा है, टोटल का टोटल फ्लक्स आ रहा है, मैंने बताया था आपको श्रिंकिंग और लीकेज फैक्टर, है ना, वहां पे मैंने लीकेज फ्लक्स बताया था, ये देखो लीकेज फ्लक्स है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स फिर से हम लोग आएंगे जब हम लोग रियल में बात करेंगे, ये देखो लीकेज फ्लक्स है, ये लीकेज फ्लक्स है, ओके, दिस वन, ओके, नाउ तो हम लोग लीकेज फ्लक्स किसको कह रहे हैं, वो फ्लक्स जो दूसरे बाइंडिंग को लिंक ना करे, देखो ये फ्लक्स इसको लिंक नहीं कर रहा है, ये फ्लक्स इसको भी लिंक नहीं कर रहा है, ओके,
जो फ्लक्स दोनों को लिंक कर रहा है उसको हम लोग म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं ट्रांसफार्मर में, वही है वर्किंग फ्लक्स, वही है यूजफुल फ्लक्स, वही है आपका मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स द फ्लक्स विच लिंक्स ओनली वन वाइंडिंग, म्यूचुअल फ्लक्स, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स, वर्किंग फ्लक्स इज द फ्लक्स विच लिंक्स बोथ वाइंडिंग। तो अगर लीकेज फ्लक्स जीरो हुआ तो सारा का सारा फ्लक्स इससे लिंक हो जाएगा, है ना। यानी कि जो भी आपने मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे सेटअप किया वो सारा का सारा किसमें, मैग्नेटिक मटेरियल में। यानी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कंप्लीटली लिंक्ड हो जाएगा, ये एडवांटेजियस है भाई, है ना। बट रियल में इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि लीकेज फ्लक्स हमारा क्या हो, कम से कम हो। हम लोग क्या चाहेंगे बेंडिंग रेसिस्टेंस कम से कम हो, ओके। हम लोग क्या चाहेंगे कोर लॉस कम से कम हो, मैग्नेटिक लॉस कम से कम हो, आयरन लॉस कम से कम हो, उसके लिए हम लोग बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे। हम लोग चाहेंगे लीकेज फ्लक्स कम से कम हो, उसके लिए हम लोग बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग वाइंडिंग करेंगे कि हमारा लीकेज फ्लक्स कम से कम हो। तो हम लोग वाइंडिंग किस तरह से करेंगे तो हम लोग देखेंगे आगे रियल में, डोंट वरी। अब यहाँ पे ये जो है सारा का सारा फ्लक्स इससे लिंक हो जाए, ओके, सारा का सारा फ्लक्स इससे लिंक हो जाए, इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेटिक मटेरियल का जो परमेबिलिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए, कहीं कहीं इनफाइनाइट भी लिखे हुए। जब आपका जो है अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट है या वेरी हाई परमेबिलिटी है, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जितना जितना फ्लक्स है सारा फ्लक्स, ओके, इसके थ्रू सेटअप हो जाएगा। आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स उस मटेरियल में ज्यादा फ्लो करता है जिसका परमेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, नहीं आपको याद है, ओके, फाई इक्वल टू एन आई वाई रिलक्टेंस, आपको याद है रिलक्टेंस इक्वल टू एल वाई म्यू ए। जितना ज्यादा म्यू होगा उतना कम रिलक्टेंस होगा, जितना कम रिलक्टेंस होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो सोचो सारा का सारा फ्लक्स इस मैग्नेटिक मटेरियल से पास होने के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, वो इसलिए इसके थ्रू पास करे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि परमेबिलिटी क्या हो, वेरी वेरी हाई हो। गॉट इट। जितना ज्यादा परमेबिलिटी होगा उतना ज्यादा फ्लक्स जो है दूसरे वाइंडिंग को भी लिंक करेगा, ओके। अब सोचो कि फ्लक्स किसके चलते आ रहा है, किसके चलते आ रहा है, एमएमएफ के चलते आ रहा है। मैंने बोला जैसे ही आप सोर्स देंगे वैसे ही करंट आएगा, वैसे ही एमएमएफ सेटअप होगा। एमएमएफ कब सेटअप होगा, जितना करंट होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग। तो हम लोग ये चाहेंगे ना कि कम से कम आपका ये जो करंट हो कम से कम करंट हो, ज्यादा ज्यादा फ्लक्स हो। हम लोग ये चाहेंगे कि कम से कम सोर्स लगाए उससे ज्यादा ज्यादा फ्लक्स हमारा लिंक हो। हम लोग ये चाहेंगे आइडियल कंडीशन में इस करंट को जो आईएम हम लोग लिखे ये आईएम का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। यानी कि मैग्नेट, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, वैसा करंट जो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, वैसा करंट जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करे उस करंट को, उस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। अब सोचो कि हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग कर क्या रहे हैं भाई, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, फ्लक्स इक्वल टू एन आई वाई रिलक्टेंस, एन आई एम वाई रिलक्टेंस एक्चुअली, ओके, एन आर इक्वल टू एल वाई म्यू ए, नहीं एल वाई म्यू ए। तो फाइ इक्वल टू यहाँ पे एन आई एम इक्वल टू क्या हो रहा है, ओके, ये हो गया एल वाई म्यू ए। तो एन आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइ इंटू एल बाई म्यू ए, ओके। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, ओके, इसको क्या कर सकते हैं, अगर फ्लक्स दिया हुआ हो फॉर द, यहाँ पे हम लोग और अच्छे से लिख दो, आई एम इक्वल टू फाइ इंटू एल बाई म्यू एन ए। अगर फ्लक्स दिया हुआ हो, फ्लक्स आ गया है, फॉर द गिवन फ्लक्स, ओके, फॉर द गिवन फ्लक्स
for the given flux. अगर फ्लक्स दिया हुआ है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए परमिबिलिटी इनफाइनाइट. अगर परमिबिलिटी इनफाइनाइट ओके, ये अगर इनफाइनाइट हो गया तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होना चाहिए? जीरो. यानी कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है ना, कि अगर आपका जो है मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो, कहने का मतलब क्या है कि रियल ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए. फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. परमिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. ओके, वाइंडिंग रेसिस्टेंस कम से कम होना चाहिए. लीकेज फ्लक्स कम से कम होना चाहिए. कोर लॉसेस कम से कम होना चाहिए. क्यों? आइडियल में जिसका वैल्यू जीरो, वो पैरामीटर रियल में कम से कम होना चाहिए. आइडियल में जिसका वैल्यू इनफाइनाइट वेरी हाई, रियल में और हाई होना चाहिए. जब आइडियल में हाई है तो उसको रियल में भी हाई होना चाहिए, है ना. तो ये हम लोग यहाँ पे बात किए आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मेन एजम्पशन. ओके, नाउ अब हम लोग जो देख रहे हैं सिंपल, अब इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं. एक्सटेंड क्या करते हैं भाई? ओके, अब यहाँ पे 5 पॉइंट हम लोग कर लिए. ड्यू टू नो एनी लॉसेस, ओके, ड्यू टू नो लॉसेस. अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो इनपुट पावर इक्वल टू व्हाट? आउटपुट पावर. नहीं, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर. तो इनपुट पावर मतलब व्हाट? ये जो E1 आ रहा है, अब सोचो जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो V1 और E1 का वैल्यू बराबर होगा, है ना. ओके, जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा ओके, तो E2 और V2 का वैल्यू बराबर होगा. क्यों? आइडियल के केस में वाइंडिंग रेसिस्टेंस हमारा क्या है? जीरो है, है ना. तो V1 इक्वल टू E1 और E2 इक्वल टू V2. ओके, तो यहाँ पे जो इनपुट पावर होगा ये I1 करेंट और ये और I2 करेंट. तो वोल्टेज इनटू करंट पावर, तो E1 I1 इक्वल टू E2 I2, या आप ये भी लिख सकते हो V1 I1 इक्वल टू V2 I2. लेकिन यहाँ पे चूंकि नो वोल्टेज ड्रॉप है ना, नो वोल्टेज ड्रॉप आइडियल के केस में, तो V1 इक्वल टू E1 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, अब V2 इक्वल टू E2 इक्वल टू V2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर. ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं E1 I1 इक्वल टू E2 I2, यानी कि E2 by E1 इक्वल टू I1 by I2. ओके, E1 I1 इक्वल टू E2 I2, ये हमारा क्या हो गया? हम लोग लिख सकते हैं इसका मतलब क्या है भाई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब जिसके तरफ वोल्टेज ज्यादा उधर करंट कम, और जिसके तरफ वोल्टेज कम उधर करंट ज्यादा, है ना. ओके, इनवर्सली. तो याद रखेंगे ट्रांसफॉर्मर का ये भी कंक्लूजन है कि इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर, जिधर वोल्टेज कम उधर करंट ज्यादा, जिधर वोल्टेज ज्यादा उधर करंट कम, है ना. अब क्योंकि वाइंडिंग रेसिस्टेंस जीरो है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया? जीरो. वोल्टेज ड्रॉप जीरो तो V1 E1 बराबर, E2 V2 बराबर. तो हम लोग बोल सकते हैं भाई, है ना, V2 by V1 इक्वल टू E2 by E1 इक्वल टू I1 by I2. आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी. नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, है ना. दिस वन ये याद रखेंगे. अब सोचो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहा भाई? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहा ओके, कि कहीं पे भी अगर रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज है तब वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. नहीं, तो वो क्या कर रहा है, ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है वो NdΦ/dt, ये था ना एक्चुअली d लैम्डा बाई डी टी,
यहाँ पे एन कांस्टेंट है तो डी एन फाइव आई डी टी, यानी कि ई जो होगा हमारा ओके वो क्या होगा, ई हमारा एन डी फाइव आई डी टी। क्लियर? अब सोचो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग के लिए ई वन इक्वल टू एन वन डी फाइव आई डी टी, नहीं भाई सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए E2 इक्वल टू N2 D5 by DT। जब हम लोग E2 by E1 लिखेंगे तो D5 by DT, D5 by DT कैंसिल, देन दैट इज N2 by N1। क्लियर? N2 by N1 यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उधर आपका ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, सीटीएम कमिट टू मेमोरी। ओके, सीटीएम कमिट टू मेमोरी। अब सोचो ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उधर वोल्टेज ज्यादा, उधर ईएमएफ ज्यादा, उधर करंट व्हाट, करंट कम, करंट लो। क्लियर? अब सोचो यानी कि अगर हम लोग इसको कोरिलेट करें तो हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि E2 by E1 equal to N2 by N1, तो E2 by E1 equal to V2 by V1, I1 by I2 equal to N2 by N1। इसको अब याद रखना है ना, अब इसको याद रखना है। क्लियर? यानी कि इससे कंक्लूजन क्या क्या मिल रहा है भाई, है ना, इससे कंक्लूजन ये मिल रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। नहीं, अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ओके याद रखेंगे, कहीं पे भी अगर E2 by E1 equal to N2 by N1 मिल रहा है ओके तो इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल वेरिएबल। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वोल्टेज वैरी कर रहा है नंबर ऑफ टर्न से, पोटेंशियल वैरी कर रहा है नंबर ऑफ टर्न से, तो इसको वोल्टेज हमारा क्या होता है, पॉइंट पॉइंट पे होता है, और एक पॉइंट पे ही पोटेंशियल हम लोग मेजर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगर ये मिल जाए आपको I1 by I2 equal to N2 by N1, इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक वेरिएबल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है SSC में, इसलिए बता रहे हैं काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब फ्लो कर रहा है, कोई करंट भी फ्लो करता है, नहीं करंट भी फ्लो करता है तो इसको हम लोग काइनेटिक वेरिएबल करते हैं, है ना। कहीं पे भी E2 by E1 मिल जाए या V2 by V1 मिल जाए ओके, पोटेंशियल वेरिएबल I1 by I2 equal to N2 by N1 मिल जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, tell me, इसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक वेरिएबल। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब कहीं पे अगर सिर्फ I1 by I2 मिल जाए तो I1 by I2 को हम लोग कहेंगे करंट रेशियो, करंट रेशियो। ओके, अगर आपको कहीं N1 by N2 मिल जाए तो N1 by N2 को हम लोग कहेंगे टर्न रेशियो, याद रखेंगे, ये सब याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, N1 by N2 टर्न रेशियो क्वेश्चन में मिलेगा। अगर आपको कहीं N2 by N1 मिल जाए ट्रांसफॉर्मर में तब इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्लियर? कहीं भी अगर मिल जाए ये आपको चीज, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2 by N1 आ गया। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को डिफाइन करें तो N2 क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, टू मतलब सेकेंडरी और वन मतलब प्राइमरी। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का अगर कोई डिफाइन करने बोलता है देन इट इज रेशियो ऑफ द
number of turns in secondary winding to the number of turns in the primary winding. ओके अगर कोई टर्न रेशियो को डिफाइन करने बोलता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग क्लियर तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो आपको ट्रांसफॉर्मर में हमेशा काम देगा उसको हम लोग की से डिनोट करते हैं ट्रांसफॉर्मर में की इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्लियर है ओके तो हम लोग यहाँ तक आइडियल ट्रांसफार्मर का एग्जम्पशन को लेके बढ़ रहे थे आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ लिए है ना आइडियल ट्रांसफार्मर का जो एग्जम्पशन है हम उसको रिपीट करेंगे है ना आप लोग भी अपने साथ रिपीट करोगे पहला हमारा केसेस था एग्जम्पशंस नो वाइंडिंग रेसिस्टेंस नो वाइंडिंग रेसिस्टेंस यानी कि ट्रांसफार्मर में जो भी हम लोग वाइंडिंग यूज करेंगे उसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए जीरो ओके तो रियल ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए कम से कम होना चाहिए जब आइडियल का नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो तो रियल का वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होना चाहिए अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो है तो कॉपर लॉस आइडियल का जीरो तो रियल का भी क्या होना चाहिए कॉपर लॉस कम से कम होना चाहिए सेकेंड एग्जम्पशन नो कोर लॉसेस नो मैग्नेटिक लॉसेस नो आयरन लॉसेस दिखाएंगे हम आयरन लॉस और मैग्नेटिक लॉस को कैसे करते हैं तो रियल का हमारा क्या होना चाहिए कोर लॉस मैग्नेटिक लॉस कम से कम होना चाहिए लॉसेस कम से कम होना चाहिए ड्रॉप भी कम से कम होना चाहिए उसके बाद थर्ड में क्या था नो लीकेज फ्लक्स नो लीकेज फ्लक्स यानी कि रियल में लीकेज फ्लक्स कम से कम होना चाहिए ओके लीकेज फ्लक्स कम से कम होना चाहिए यानी कि सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल में ओके कन्फाइंड हो जाए CONFINED कन्फाइंड यानी कि उसमें सेटअप कर जाए ओके उसके लिए क्या जरूरी है नेक्स्ट पॉइंट रिलेटिव परमिबिलिटी इनफाइनाइट यानी कि वेरी हाई होना चाहिए तो वेरी हाई होना चाहिए यानी कि रियल का भी हम लोग ऐसे मटेरियल का मैग्नेटिक सर्किट लेंगे जिसका परमिबिलिटी क्या हो वेरी हाई हो अगर परमिबिलिटी वेरी हाई होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारा आइडियल में जो है आइडियल का कंडीशन नेक्स्ट जो है वो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होना चाहिए मैग्नेटाइजिंग करंट करंट का वो कंपोनेंट नॉट द करंट है ना जो भी हम लोग करंट दे रहे हैं उसका एक पार्ट हमको मैग्नेटाइज करता है ना ओके तो करंट का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट तो मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होना चाहिए यानी कि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए रियल में कम से कम होना चाहिए ओके तो ये मेन एग्जम्पशंस था उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग बात किए कि हमारा जो पावर इनपुट और पावर आउटपुट दोनों बराबर होना चाहिए क्लियर तो पावर इनपुट पावर आउटपुट बराबर होना चाहिए क्यों क्योंकि लॉसेस हमारा जीरो है ना इनपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए क्यों क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जीरो है ओके तो यहाँ पे वाइंडिंग रेसिस्टेंस हमारा वोल्टेज ड्रॉप जीरो है तो वी वन इक्वल टू ई वन होना चाहिए और ई टू इक्वल टू वी टू होना चाहिए क्यों क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जीरो है ओके तो जीरो तो हो नहीं सकता है ना तो कम से कम हो सकता है यानी कि ये वोल्टेज से थोड़ा सा कम ये वोल्टेज होना चाहिए और ये वोल्टेज से थोड़ा सा कम ओके तो इसके साथ जो है फिर हम लोग आगे देखें कि वोल्टेज ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा चाहे वो आइडियल हो चाहे रियल हो हमने देखा कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर आपस में बराबर है तो हम लोग ने यहाँ पे ये देखा ओके यानी कि ओके तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओके तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू घटेगा क्यों क्योंकि इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमारा क्या है बराबर है ओके तो ये उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि ये रिलेशंस देखा ये रिलेशन हमारा रियल ट्रांसफार्मर में भी वैलिड है ओके जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा वहाँ वोल्टेज ज्यादा ईएमएफ ज्यादा करंट कम जहाँ आपका जो है वोल्टेज ज्यादा करंट कम
जहां नंबर ऑफ टर्न्स आपका कम है वहां पे वोल्टेज कम करंट ज्यादा। ओके तो ये कंक्लूजन था। उसके बाद हम देखें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं।